सारंगढ़ के गोमड्डा वन क्षेत्र संचुरी में वन्य जीव सांभर का शिकार किया गया था। इस मामले में एक फरार शिकारी गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि बटौपाली कक्ष क्रमांक 930 में शिकार हुआ था, जिसमें 12 आरोपी ने सामूहिक रूप से घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। सारंगढ़ वन मंडल अधिकारी के निर्देश पर रेंजर राजू की टीम द्वारा सांभर के शिकार के फरार आरोपी दयानिधि बरिया निवासी रेंगाल मुड़ा संघन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वन विभाग द्वारा सांभर के कटे हुए पैर, मांस के टुकड़े, शिकार को काटने के लिए उपयोग किए गए हथियार और तार को जब्त कर लिया गया। वहीं अन्य आरोपी वन विभाग की गिरफ्त से अभी दूर हैं, जिसे वन विभाग जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। आपको बता दें, वन्य क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवरों के शिकार का मामला सामने आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम शिकारी वन विभाग के पकड़ में आ पाते हैं। गोमड्डा अभयारण्य सारंगढ़ क्षेत्र के बटौपाली द्वीप के कक्ष क्रमांक 930 में तार बांधा नाम का स्थान है गोमड्डा अभयारण्य सारंगढ़ में। वहां पर रेंगाल मुड़ा निवासी कैलाश पटेल और दयानिधि और अन्य और आरोपी मिलकर वहां तार बिछाए थे, उसमें एक नक सामर का शिकार हो गया। वह शिकार उसमें फर्स्ट में हम लोग कैलाश पटेल को पकड़ के उसको न्यायिक रिमांड में वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 29 31 50 51 के तहत उसको न्यायिक रिमांड में भेजे हैं। और फिर फरार मुजरिम को आज पकड़ के दयानिधि वल्द अगनु बढ़िया बंगाल मुड़ा को पकड़ के आज न्यायिक रिमांड में उसको जेल भेजे हैं। टोटल इसमें कितने आरोपी हैं? इसमें टोटल 13 आरोपी हैं, इसमें दो पकड़ा गए, बाकी आरोपी का खोजबीन चल रहा है। जेल दाखिल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट SEN 24।